हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। और अभी मैं छत पे बैठा हूँ, मौसम बढ़िया सा हो रखा था अभी अभी, और बारिश आने वाली थी लेकिन अभी बारिश नहीं आई है, गर्मी हो रखी है काफ़ी ज़्यादा तेज। और ये देखो टफी जी को, टफी ये छत पे मेरे पास आके बैठ गया, इसको भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी बारिश आई नहीं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है एकदम से, बाकी धूप नहीं निकली हुई अभी तक। सुन रहे हो आवाज़? आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। तो कैसे मौसम ख़राब हो रखा है, बारिश आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन टफी यहाँ पे बैठा है छत पे अभी। टफी टफी मज़े ले रहा है एकदम बारिश के, हल्की हल्की बारिश आ रही थी, सूख भी गई इतनी देर में। और अभी मौसम भी काफ़ी ठीक ठाक हो रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, गर्मी तो है लेकिन धूप नहीं है काफ़ी ज़्यादा तेज। और अभी मैं जाने वाला हूँ खेत में, तो उधर किधर अपना खेत, हाँ उधर है उस घर के पीछे दूर, तो अभी खेत में जाने वाला हूँ मैं। सो गाइस, आज हम फिर से आए हैं खेत में पानी लेके जीप के अंदर, और एक बाल्टी है रही, दो बाल्टी भरी, और मेरी शक्ल देखो, तो ये देखो अपनी हालत, माउंटेन ड्यू लेके आए खेत में। तो अभी जा रहे हैं, चलो चलो। सो गाइज, अभी हमने माउंटेन ड्यू भी पी लिया और इसके ऊपर पानी भी डाल दिया, देखो पूरा गीला गीला दिखाई दे रहा होगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मूंग कैसे उगते हैं यहाँ पे। और ये देखो, ये रहा छोटा सा मूंग, ये देखो। तो ऐसे बीज होते हैं यहाँ पे, इस लाइन में नहीं है, बीच बीच में कहीं पे ये देखो, ये किया आ रहा छोटा सा बाहर, तो ये ऐसे धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। और कहीं पे बड़े हैं ये देखो, कहीं पे छोटे हैं। तो अभी हमारा मन कर रहा है इनके अंदर पानी दे दे, ये देखो। तो ऐसे छोटे छोटे मूंग आ रखे हैं यहाँ पे बाहर, ये रहा एक, ये रहा। तो ऐसे ही इसमें थोड़े दिनों में पूरा खेत हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने हल्का हल्का पानी डाला था, ये देखो। तो अभी तो पूरा खेत सूख रखा है, अभी बारिश होएगी तो ये ख़राब भी हो जाएंगे। अभी बारिश की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन के बाद में बारिश होई ना तब सही होएगा एकदम। और यहाँ पे पानी डाल दिया है खूब सारा, और अभी राहुल भी डाल रहे हैं पानी, और अंदर भी पूरा पानी से भर दिया है, ये देखो। अंदर हुमस हो रखी है, हुमस पूरा पानी से डाल भर दिया है। हे गाइस, तो ये है अपना अगला दिन और नेक्स्ट डे मतलब। और अभी मैं उठा हूँ और अभी जा रहे हैं हम खेत में। तो आज ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं खेत में, और खेत में खाद वाद डाल के आते हैं, तो आज से चलते हैं। तो चलो लेट्स गो, और अभी 7 बज रहे हैं सुबह के। सो गाइस, जब ये हम आ गए हैं खेत से वापस और बस स्टैंड पे, और मोर को देखो कैसे नाच रहा है मस्त एकदम अपनी मस्ती में। और अभी जाएंगे घर पे थोड़ी देर में, तो चलो चलते हैं घर पे, लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं घर पे आ गया हूँ, और क्या लेके आया अभी आपको सामान दिखाता यार। सो गाइस, अभी आए हैं घर पे, बहुत सारे पार्सल आपको दिखाता हूँ, और लेके आए हैं हमारे भैया जी पार्सल है। इसके अंदर है वेट गेनर, और इसके अंदर मेरी शर्ट, और एक के अंदर पापा के कपड़े शायद, और एक के अंदर मेरे मेरे किसके अंदर है, इन दोनों के अंदर है, बता दे यार, बता दे भूतनी। और आम भी आए हैं, और रुक जा करण बक्से लग रही यार, पकड़ ले, मैं करता हूँ अनबॉक्स। सो गाइस, अभी करते हैं अनबॉक्स, और देखो मेरी उंगली से काट दूंगा मैं इसे, दिख रहा है तेरा थोड़ी है तो, और इसमें मेरे हैं, छोड़ दे ऐसे मत कर, रिटर्न करने हुए तो इसी के अंदर डाल के दे देना।
ये हमारे कपड़े हैं, इनको साइड में रखते हैं। और ये देखो कैसे लगा हुआ है, रिटर्न करना हो सकता है। आराम से खोल ले, आराम से खोल ये हेलो है, मेरे कपड़े किसमें हैं? कैसे देख रहा है पागल इंसान। ये रही हमारी शर्ट है या टी शर्ट है, देख ले खोल के। टफी 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 तेरे लिए शर्ट मंगवाई है। सो गाइस ये देखो पूरी दीवार खड़ी करी जा रही है यहाँ पे। सो गाइज आज डालेंगे अपनी साइकिल के अंदर ट्यूब, और साइकिल है यहाँ पे अंदर, तो अंदर चलते हैं। और अंधेरे में ये रही अपनी साइकिल, तो सभी साइकिल को बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है। तो अपन एक काम करते हैं, टायर को ही निकाल लेते हैं खाली, और ट्यूब कहाँ पे, अपनी ट्यूब भी तो ढूंढनी पड़ेगी। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5, और अभी हमने टायर के अंदर ट्यूब डाली है, तो ये ट्यूब पूरी फिक्स हुई नहीं है। तो ये राहुल जा रहा है ठीक करवाने के लिए इसे, और ठीक करा लाता है, और तब तक मेरे को एक काम है, वो काम कर देता हूँ मैं। सो गाइज अभी मैंने मेरा काम भी कर लिया, और अभी देखो ट्रैक्टर की लाइट आई है, तो ये वाली लाइट आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो ये लाइट टूट रखी है, पता नहीं किसने तोड़ी थी पहले ट्रैक्टर की लाइट, और ये यहाँ पे टच हुई थी तब ये टूटी थी आई थिंक लाइट, और अब नई लाइट आई है ट्रैक्टर की। तो ये वाली लाइट है, ओ बच गई। तो अभी बाहर निकालता हूँ इस लाइट को, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइज ये देखो ये लाइट है एकदम ब्रांड न्यू, और इजी इंस्टॉलेशन है इस लाइट की। जो अपन को जो नट वगैरह दे रखे हैं दो लगाने हैं, और फिर ये अपन को ऐसे केबल से कनेक्ट करनी है, मतलब कुछ वायर वायर कुछ कट नहीं होएगा, सीधा इंस्टॉल करो लाइट को। तो ये देखो ये नई लाइट है अपनी ट्रैक्टर की, तो ये लग जाएगी। और अभी अपन फिर से अंदर डाल देते हैं इसे, और अब घर पर चलते हैं। सो गाइज अभी मैं घर पर आया हूँ, और मेरे हाथ वगैरह हालत देखो, पूरा काले काले भर के, वाइट शर्ट पहन टी शर्ट पहन रखी थी। तो अभी हम मैं आई हूँ घर पे, तो मेरे को भूख लगी थी। ये क्या बन रहा है, ये किसका आटा है, और ये आलू, और ये हमारे प्रो प्लेयर काट रहे हैं प्याज। क्या बना रही हो, कचौरी देख लग गई वो जूठी है, देखिए लग रही है। जल्दी मनाई जाए, हमें भूख लग रही है। तो गाइज अभी मैं फिर से घर से बाहर गया था, और अभी घर पे आया हूँ, और मैं लेके आया हूँ मोरिंडा, और कचौरी बन गई हमारी। चलो देखते हैं, ये देखो पहले ही बैठी हुई है यहाँ पे खाने को। नजर लगा देती, अरे ये पहले की है, अच्छी नहीं बनी थोड़ी। ये मसाला है कचौरी का, इधर मम्मी कचौरी बना रही है, और अब हमारी पारी होगी। सो गाइस हमारे प्रो प्लेयर ने बनाई है कचौरी, आधी मम्मी ने बनाई थी, ये इसने सिर्फ फेंकी से की है। ओए इतनी सारी मैंने बनाई है सारी, मम्मी तो मंदिर में चली गई। हाँ ठीक है तूने बनाई है, और हम पियेंगे फिज कचौरी के साथ। तो तेरा तो कॉम्बिनेशन ही अलग है पागल सा। और ये स्माइली भी मैंने बनाई, इधर दिखा इधर। अरे यार ये थोड़ी टेढ़ी हो गई। ओए पागल सा क्या हो गया, करंची है ब्रो ये तो। है, ताती मैंगो इतने बड़े मैंगो दब जाएगी मुटुटा। चल अब अंदर से दिखा, अंदर से दिखा। ये तो टूटी नहीं रही ज्यादा, ही क्रंची है लगे।
ये टूट गई, ये देखो, ये देखो हमारी कचौरी, दिखा तो। अरे तो रुक जा, खा गिर जाए हम। खा गया, गरम है यार। कैसी बनी है ये बता, लेट मी टेस्ट। मैंने बनाई तो अच्छी बनी होगी, मस्त है। अब हम खा के मिलते हैं। सो गाइज, आज फादर्स डे, इसलिए हम आज केक काटने वाले हैं। तो इसके अंदर मैंने एक गिफ्ट पैक किया जो कि मैं दिखा नहीं सकता कैमरे में, और अब अभी केक भी मंगवा रखा है तो केक भी लाएंगे और पापा के पास चलते हैं। सो गाइज, इसके अंदर है केक पापा का, खोल लूँ मैं। तो ये रहा केक पापा के लिए, और अभी टफी को सुगंध आ रखी। टफी को क्या मिलता है, टफी टफी, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे टू यू पापा दादू का। और टफी भी, टफी टफी भी लगा हुआ है नीचे बजाने के लिए तालियां। पापा ने खाओ, पापा ने खाओ दासा, पापा ने खाओ। टफी भी देख रहा केक के लिए, टफी नाक चला दे अपनी। स्क्रीन शॉट ले लिए। ये हमारा सबसे बड़ा भाई है। सबसे बड़ी तो आप हो हमारे प्रो प्लेयर जी। फेशियल हो रहा है, फेशियल। और मेरे क्यों लगाती हो यार? ये देखो, ये देखो बाबा आया पाली।